अस्सलामुअलैकुम। ईद का दूसरा दिन है, लिखा हुआ है जाने वाले फातिहा ज़रूर पढ़ते जाना खुदा के वास्ते, कल तू भी मजबूर हो बेकस होगा इस दुआ के वास्ते। तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, हम भी बेबस मजबूर अभी भी हैं, अल्लाह ताला ने ही करना है जो करना है। ईद का दूसरा दिन है और हम आए हुए हैं अम्मी को दुआ करने और मिलने, और ये भी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम दुआ करें ज़रूर और याद रखें। याद तो रहते हैं, याद कहाँ ख़त्म होती है। तो बस मेरे साथ आया हुआ है मोहम्मद, आजकल ये मेरा साथी बना हुआ है, मेरे साथ होता है हर जगह। तो अल्लाह ताला किसी के साथी को ना बिछड़े, कोई ना बिछड़े, लेकिन बिछड़ना तो है, साथ है तो जुदाई भी है, साथी है तो जुदा होना भी है। तो ये तो ज़िंदगी के साथ साथ है। ये देखिए सारों के अपने आए हुए हैं और फूल डाले हुए हैं जगह जगह पे, फातिहा पढ़ के गए होंगे सारे। अल्लाह ताला हम पे रहम करे, हम सब पे रहम करे और दुआ करते रहें हम लोग के लिए, और बच्चों को ज़रूर बताएं कि दुआ करने कितनी ज़रूरी है। बच्चों को भी यहाँ लेके आए, हम बच्चों को ख़ास लेके आते हैं ताकि बच्चों को मालूम हो कि ये ज़िंदगी जिसके लिए हम इतनी तगोदौ करते हैं और क्या क्या कुछ हमें चाहिए होता है, वो एक दिन यहाँ पर आकर ख़त्म हो जानी है हर एक के लिए। और अबू हमेशा कहते हैं कि मैंने आना है, हालांकि उनके लिए आना जाना बहुत मुश्किल हो चुका है, लेकिन वो ज़रूर आते हैं। और ये मैं आपको हमेशा दिखाती हूँ, ये एक कब्र है जो कि इनके माँ बाप आते होते हैं यहाँ पर, और बहुत ही प्यार से उनका ख्याल रखते हैं। यहाँ पर आकर बड़ी अच्छी इन्होंने सेटिंग की हुई है, यहाँ पर ही इन्होंने एक अच्छा सा बेंच भी रखा हुआ है बैठने वालों के लिए, और हमेशा ये इसी तरह रहती है। तो अल्लाह ताला अंदर भी अच्छा रखे, बस बात तो सारी ये है, अल्लाह सब पे रहम करे। और जो जो हैं, जिनकी अम्मियाँ चली गई, जिनके अब्बू चले गए, जिनके अपने चले गए, जिनके बच्चे चले गए, है ना, ख़ानदान के जितने भी लोग चले गए, हमारे भी कितने सारे चले गए, सात फूफियाँ थी सब चली गई, एक चचा रह गए, एक सिर्फ मामू रह गए और एक खाला रह गई। हर तरफ यही हालात होंगे यकीनन हमारी उम्र में आने के लिए, तब हम भी यहाँ पर आने को तैयार हैं। तो पहले मुझे कब्रिस्तान से, मैंने बताया था कि मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन जब से अम्मी यहाँ आई हैं मुझे कब्रिस्तान से डर नहीं लगता। यहाँ आना है, बस ये सोच लें रोज़ सोने से पहले कम अज़ कम एक दफ़ा याद कर लें कि हमने कहाँ जाना है, तो ये दुनिया के जो मसले मसाइल हैं ना, जो हमने बना के रखे हैं, ये सब ख़त्म हो जाएंगे। बस अल्लाह को याद करें और दुआ करें हम सब के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैकुम अम्मी जान।